पति पत्नी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है, अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉअर से दो डायरी निकाली और बोली, मैं यह दो डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिखकर रखेंगे। एक साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरों की उन चीजों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई लेकिन पुराने डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदल कर न्यूज चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियां मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा मेरे साये की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साये में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है तो इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत ही होगा।